The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education aur aaj hum baat karenge aapke khane peene ki. Bhaiya khaya nahi तो क्या फ़ायदा, दुनिया में आए हैं खाने पीने के लिए, इंसान कमाता है खाने पीने के लिए, इंसान सब कुछ करता है, तो उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. सो वी नीड टू नो द बेसिक्स विच आर देयर कि भाई कि खाने पीने को सेफ कैसे रखे, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, पेट ख़राब ना हो जाए, कोई और वायरस ना चले जाए खाने पीने के मामले में. बाहर से खाएँ, अंदर से खाएँ, कहाँ से खरीदें तो कैसे खरीदें, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो अच्छे से नहीं पकेगा खाना उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे ईकोलाई, जैसे साल्मोनेला, जैसे कंपाइलोबैक्टर, ऐसे जैसे टाइफॉइड हो सकता है साल्मोनेला टाइफी. गुड, अच्छी बात यह है कि आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लेके अपने दिमाग लगा के अपने खाने पीने को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं. मैं आई बिलीव आप लोग रखते होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप भाई ऐवें कुछ भी कुछ खा रहे हो, आप रखते होंगे, पर दो चार बातें हमसे भी सुन लो, इम्पॉर्टेंट है. ऐसी बातें आज हम बताएंगे आपको जो आपको शायद ना पता हो, है ना, कई लोगों को नहीं पता होगी. सो ये बातें हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप खरीदते हैं. आप कई लोग मार्केट से खरीदते हैं, कई सुपरमार्केट से खरीदते हैं, कई जाके बिग बाज़ार से खरीदते हैं, कई सब्जियाँ खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं. जहाँ से भी आप खरीदते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि आप सबसे आखिरी में खरीदेंगे रेफ्रिजरेटेड वाली चीज़ें. यानी कि पहले जाके फ्रिज से निकाला पनीर, फ्रिज से निकाला चीज़ और पहले वो अपने टोकरी में डाला, फिर एक घंटा घूम रहे, ना दैट इज़ रॉन्ग, समझे. यानी अंडा, मिल्क, ऐसी कोई भी, अगर मीट, फिश, कोई भी ऐसी रेफ्रिजरेटेड वाली चीज़ आप ले रहे हो तो वो लास्ट में अपने अपने ट्रॉली या जॉब जिसमें भी आप रखते हो उसमें रखें, कार्ट में, लास्ट में. अगर आप पैकेज्ड मीट या पोल्ट्री, चिकन, फिश ले रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट बहुत ज़रूरी है देखना. और बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है या बहुत जल्दी होने वाली है तो गलती उसको मत लीजिएगा. ये दो चीज़ें आप ज़रूर देखना है. दूसरा, अगर उसकी स्मेल बहुत अजीबोगरीब आ रही है फ़िश वाली तो उसको गतई नहीं लेना है. नोज़ और आइज़, फॉलो योर नोज़ एंड आइज़. अगर आपके नाक को लग रहा है ऊँ, अगर आपकी आइज़ को लग रहे हैं तो नहीं लेना है भैया. ऊँ और ऐ बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी फंडा है, अगर आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं. और प्लस अगर आप कोई मीट फ्रेश ले रहे हो, फ्रेश वाले को अलग रखना है बहुत ज़रूरी प्लास्टिक बैग्स में, ताकि भैया वो अलग ना हो. और वेजिटेबल्स से उसको अलग रखना है, फ्रूट से अलग खाने से उसको अलग रखना है. अंडे वंडे ले रहे हो तो उसको चेक कर लेना है. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट. अब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो जो चीज़ें टूट सकती है, राइट. जैसे कि मान लीजिए फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में अगर कोई फ्रूट है जिसकी स्किन निकला हुआ है छोटा सा तो वो मत लें. वो ब्रोकन स्किन वाला जो हो जाएगा वो उसमें बैक्टीरिया आराम से घुस सकता है. अगर कोई अनपैस्चराइज्ड मिल्क है वो नहीं लेना है. और मान लीजिए अगर मान लीजिए मैरिनेटेड और टाइप चीज़ आ रही है, मैरिनेटेड चिकन फ्रेश, वो चीज़ें ना लें. वो उतना हेल्दी नहीं होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं. अब किचन के अंदर बहुत ज़रूरी है दो चार चीज़ों का ध्यान रखना. एक तो बहुत ज़रूरी है, अगर बेस्ट ऑप्शन देख लीजिए, जो जितने भी आप फ्रोज़न चीज़ें लेते हो, ठीक है, उसको थॉ करना जो होता है वो, या तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखिए नीचे थॉ करने के लिए, और माइक्रोवेव में थॉ कर लीजिए, लेकिन उसको रूम टेम्परेचर पे कभी थॉ नहीं करना है. ये बहुत ज़रूरी है. फ्रोज़न मीट, पोल्ट्री, फिश को या तो रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव में आप थॉ करिए, यानी उसको थोड़ा गर्म करिए, उसको रूम टेम्परेचर में रख के गर्म नहीं करते हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा जो क्या नाम है, अगर मान लीजिए आपने किसी को थॉ किया चिकन फिश को, तो उसको तुरंत बना लीजिए. तुरंत 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 बनाना है उसको, ऐसा नहीं कि वो पड़ा हुआ है, सुबह का पड़ा है शाम को खाएंगे. और बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं ना रॉ चिकन, राइट,
अगर मान लीजिए आप रॉ चिकन है उसको अगर आप वॉश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप रॉ चिकन को वॉश कर रहे हैं, बोलते हैं ऐसा कि रॉ चिकन को वॉश नहीं करते, क्योंकि रॉ चिकन आप वॉश करते हैं तो उसके जो जर्म्स हैं वो पूरे किचन में फैल सकते हैं, किचन में। अब उसको अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से वॉश कर रहे हैं तो उसको क्या करना होता है, उसको कुक करिए, उसको कुक करिए। आप जब उसको कुक कर लेते हैं, जब उसका टेम्परेचर 74 डिग्री सेंटीग्रेड या 165 डिग्री तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसके जो जर्म्स हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। सो रॉ चिकन को कायदे से वॉश करने को कोई फायदा नहीं होता कायदे से। उसके अलावा जो दूसरी कौन सी चीज़ बताएं, फ्रूट्स अगर आप अच्छे से खा रहे हैं तो फ्रूट्स को अच्छे से पानी में धो लें, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन डर्ट और ये निकल जाएगा उसके ऊपर, कोई जो वैक्स की कोटिंग तो नहीं है वो देख लें चाकू से थोड़ा सा। छिलके खा सकते हैं तो छिलके खाएं, नहीं खा सकते हैं तो छिलके समेत खा सकते हैं, ठीक है। एग्स जो है, एग्स को रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा ना रखें, एग्स को डोंट लेट एग्स स्टे एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर यू कुक एग्स थरोली, उसका योक भी और वाइट भी दोनों अच्छे से पकना है, राइट। और जो स्क्रैम्बल्ड एग है वो रनी नहीं होना चाहिए, वो रनी एग ये निकल के डर जा रहा है कायदे से, वैसे तो एग जो वाइट है, एग वाइट को पका के खाते हैं और येलो वाला थोड़ा सा कच्चा रहे तो अच्छा रहता है फॉर डाइजेशन, मगर उसमें फिर बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। सेफ्टी की बात करें तो पूरा पका लें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। और भैया हाथ वाथ अच्छे से धो लिया करो, हाथ धोना ज़रूरी है प्रिपेयरिंग फूड से पहले, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, और मीट को हैंडल करने के पहले और बाद में तो बहुत ज़रूरी है अच्छे से हाथ धोना। कटिंग बोर्ड अगर है तो उसको वॉश करें और दोनों कटिंग बोर्ड अलग अलग रखें, वेज वाला अलग, नॉन वेज वाला अलग। कोई भी लेफ्ट ओवर फूड है तो उसको तुरंत फ्रिज में फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट्स है अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा कंटेमिनेशन जो आता है वो डायरेक्ट सोर्स से आ सकता है, यानी जहाँ से आ रहा है वहीं से फूड के अंदर इन्फेक्शन हुआ हुआ आ सकता है, तो याद रखिए अच्छे सोर्स से खरीदें जहाँ से आपको कंटेमिनेशन के रिस्क जो है वो कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा करेक्ट टेम्परेचर पे खाने को पकाएं, खाना अगर कम टेम्परेचर पे पकेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे पकेगा तो बहुत ज़्यादा जलने के बाद भी उसमें सेफ्टी लेवल कम हो जाता है, वो ज़्यादा चार हो जाए तो दैट जनरेट्स सम रेडिकल्स, फूड रेडिकल, फ्री ऑक्सीडेंट रेडिकल्स विच आर नॉट सो गुड, राइट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो आपके फूड सेफ्टी जो है बच जाएगी। बाहर अगर खाना खा रहे हैं आउट ऑफ द हाउस तो अच्छी जगह से खाएं, बताने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। पानी हो सके तो बॉटल्ड वाला पी लीजिए, बॉटल्ड वाटर या RO वाटर, ऐसा वाटर होना चाहिए, सेफ्टी लेवल फिर आती है। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ वैसा पानी नहीं है तो बॉयल करके पानी पी लीजिए। सो ये सारी चीज़ें करेंगे तो यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर फूड पॉइजनिंग चांसेस, ओके।